राजनगर कॉलोनी के अंबेडकर भवन में मैं तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए उनमें भी विशेषकर संसार का सर्वोत्तम संविधान भारत को देने वाले बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी और फिर उनको घर घर तक पहुंचा देने वाले बहुजन समाज पार्टी बीपीएफ वाम से के रचयिता माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए और आप लोगों को साक्षी मानते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में आस्था व्यक्त करते हुए इधर मंच पर आसी मेरे धर्मगुरु उनके साथ ही साथ एस थ्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह बौद्ध साहब वहीं पर डॉक्टर देशराज जी और अभी मेरे बीच मेरी जगह पर ही उधर जाकर के बैठे हैं आज इटावा का नाम रोशन करने वाले और बहुजन समाज पार्टी से वहां पर रहे कैंडिडेट अजय पाल जाटव साहब और इस मंच को बहुत खूबी से चला रहे एडवोकेट एस पी सागर जी और मंचू की ललकार के मुखिया रविंदर जी वहीं पर मीडिया के साथ ही हमारे एस एन न्यूज वाले मनोज कुमार जी और इधर समाज के सभी बैठे मेरे सभी विद्वान साथी और मंच पर बैठे मैं तो इन्हीं बहन बेटियों में माननीय बहन जी का चेहरा देखता हूं ऐसे सम्मानित मेरे साथियों आज मुझे भी इधर मौका मिला हालांकि सुबह से मैं लगा हूं जगह जगह पर हम लोग गए हैं और बाद में का कार्यक्रम मैंने छोड़ा मैंने कहा पहले मैं दिल्ली को देखता हूं और मैं एक और तहे दिल से आप सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं चाहे भले मंच से कोई कुछ भी कह रहे हो लेकिन माननीय कांशीराम साहब की याद आती है तो ऐसे माननीय कांशीराम साहब का आज से ठीक चौथा दिन उनका जन्मदिन है बहुजन दिवस है तो ऐसे बहुजन दिवस की भी अग्रिम रूप में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसी के साथ साथ जैसे मैंने इटावा का नाम लिया तो अभी मैं चर्चा में रखूंगा अपनी बात लेकिन आज धन रही है बहन कुमारी मायावती जी ऐसा डिसीजन के 1956 से पहले बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर रहे हैं आज उनका नाम है लेकिन अब राज्यसभा में भी भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनेंगे तो ऐसी दिमाग रखती है कि जो लोग बाबा साहेब को भुलाने में लगे हैं अब उनको राज्य खुशी नहीं जबरदस्ती भी सभापति को भी और औरों को भी भीमराव अम्बेडकर बोल करके बुलाना होगा और इतना नहीं साथियों जहां तक कोई कैडर में इस बात है तो यहां मेरे मीडिया के साथी बैठे हैं मेरी सोच खोज केवल मात्र यह है कि पहले हम लोगों को जातियों के नाम से बांटा 6000
और एक ऊंच नीच का जहर भी भर दिया और ऐसा जहर भर दिया कि अभी आप लोग यदि समाज में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी 6 तारीख का जिक्र करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला बुलंदशहर में होता है, वहां पर एक अनुसर कस्बा होता है, गंगा सफाई के नाम पर 78 करोड़ का ठेका हुआ, 8 करोड़ या 7 करोड़ जेपीएस क्षेत्र खर्च और 70 करोड़ बचा लिए। अरे मेरे बुद्ध जी भी साथियों, अभी तो आपको जानते भी, लेकिन जहर क्या भरा कि वहां पर तो मेरा वाल्मीकि समाज का आदमी उस शमशान घाट पर रहता है, वो आग लेकर के बैठा था। मैंने कहा भाई आप कहां के हो, ऐसा अनुसर का यहाँ क्या करते हो, ऐसा मुर्दे के लिए जो आग की जरूरत पड़ती है वो हम ही तो देते हैं राजा हरिश्चंद्र के। अच्छा तो तुम राजा हरिश्चंद्र के जमाने के हो। अच्छा ये घाट किसने बनवाया कि जेपीएस उसे पैसा खर्च आया, साफ सरकार से ठेका हुआ 78 करोड़ का। ओहो दिमाग एक साथ, गंगा सफाई अभियान में 78 करोड़ का छूना लग गया, 8 करोड़ खर्चे और 70 करोड़ बचा लिए। मैंने कहा भाई तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, बोला उमा भारती भी धराई थी और एक चौधरी गजेंद्र भी धराए थे। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, कैसा वो बुद्धि चला हुआ है, जानते हो भैंसा बुद्धि, लोगों भैंसा बुद्धि चला हुआ है। मैंने कहा ललुआ, तो भगवान श्री राम साहब का बहुत प्रिय शब्द है, ललुआ तेरे बच्चे बुद्धि चला हुए और वो जो मिनिस्टर है उमा भारती वो हवाई जहाज चला रहे। कह नहीं साहब जब मुसलमान बना सकते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं बना सकते। मैंने कहा भाई मुसलमानों ने क्या बनाया, नौ साहब आजम खान ने बड़े कब्रिस्तान बनाए हैं। मैंने कहा तो तुम हिंदू हो, और साहब हम हिंदू हैं। दिमाग में एक साथ बैठी और हो रहे ये जहर हिंदू और मुसलमान वाला समाज में अंदर तक पहुंचा दिया है लोगों। तो मेरे विद्वान साथियों, पहले हमें जातियों में बांटा, ऊंच नीच का जहर भर दिया, ऊंची जात वाला नीचे वाले के पास बैठे नहीं, नीचे वाले को अपने पास बिठावे नहीं, और आज हमको 6743 का अगर मैं 100 गुना कर दूं तो इतने संगठनों में बांट दिया है। आज हर आदमी, मैं स्त्री की बात तो नहीं करता क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई है, डॉक्टर देशराज हैं उनसे भी मेरी कई बार बात हुई है। क्या बात हुई है कि साहब हम बसपा के समर्थक हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि सीधा नहीं जाने दे रहा समाज को, चलेगा इस माध्यम से चलते समाज को समझा। और वो किस लिए जरूरी है कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की फितरत में ही जितने संगठन बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे कोई रहना नहीं चाहेगा। और कान खोल करके सुन लेना, इधर मेरे कुलीग बैठे हैं, आप लोग मेरे सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, वैसे तो सागर साहब भी सीनियर हैं मेरे, कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे तो नहीं रहना चाहते, लेकिन करोगे क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बने फिरते हैं इस देश में, लेकिन कांशीराम साहब का जब हम नाम लेते हैं तो फिर मानवर कांशीराम साहब के प्रति मेरा समर्पण भाव होना चाहिए कि उनकी प्लानिंग ऐसी कि बसपा का वर्कर कार्यकर्ता समर्थक पदाधिकारी अपने आप चलता है नशे नशे में। इस समाज को समझाना, हमें तनख्वाह थोड़ी ना मिलती है, हम तनख्वाह देते हैं, हम अपनी पेंशन में से सैलरी में से खर्चा देते हैं, कि जब बहुजन समाज पार्टी रूपी आपके पास एक विचित्र संगठन बन गया, मानवर कांशीराम साहब ने दे दिया और देश के तीसरे नंबर का मान्यता प्राप्त राज
के मेरी समझ से बाहर, लेकिन विद्वान साथी मैं कह इसलिए रहा हूं कि संगठन बनाते तो समाज के लिए कल्याण के लिए है कि भाई समाज का हित होगा, लेकिन अहित कैसे होता है? अब्दुल प्लीज वन मिनट, एक मिनट मित्र, आप विचार करो सर, आप विचार करो विषय से भटक रहे हैं। अच्छा भटक गया, आ जाता हूँ, आ जाता हूँ राय। अच्छा सौर तुम उड़ो, मान सम्मान तुम पाओ, अब की बार बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बताएंगे। तो जहां हमने समाज को इकट्ठ में लाने के लिए किया और जहां तक मैंने धर्मगुरु ने चर्चा की कि भाई विषय से भटक गए, मेरा तो इस विषय में भी कहना है कि यदि वास्तव में मैं बौद्ध धर्म का प्रचारक प्रसारक और उसको फलीभूत देखना चाहता हूं तो इस देश का इतिहास साक्षी, इस देश में पारसी आए शासन सत्ता में रहे, पारसी धर्म खूब फला, यहूदी आए शासन सत्ता में रहे, यहूदी धर्म खूब फला फूला, 600वीं 700वीं ईस्वी में इस्लाम के लोग आए शासन सत्ता तक पहुंचे, इस्लाम धर्म भी खूब फला फूला, यहां तक औरंगजेब तो बदनाम हो गए थे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर। उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई शासन सत्ता में रही तो कृष्ण की भी खूब फली फूली, और 1996 में इसी देश में हिंदू मानसिकता के लोग शासन सत्ता में आए तो आज का स्वरूप आप देख रहे हो कि कब कहां मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो यदि वास्तव में मैं तो अपने धर्म गुरु को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा त्रिशरण का पाठ करके पंचशील का अनुपालन करके बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में लगा हूं, लेकिन यदि हम वास्तव में इसको देखना चाहते हैं तो फिर हमें बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी का इस देश में अपना राजा बनाना होगा। तो भारत सत्ता के सत्ता एक साधन है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक मोटी मोटी बात समझ लेना।